काफ़ी अच्छा पुराना स्ट्रक्चर है, बट इसकी थोड़ी केयर की ज़रूरत है, अदरवाइज कमिंग फ्यू ईयर में ये तो मट्टी का ढेर बन जाएगा। और आर्किटेक्चर देखें बहुत अच्छा, और 500 साल मोर देन 500 ईयर इस बिल्डिंग को बने हुए, और अभी तक ये अच्छी हालत में है। और इसका जो डिज़ाइन है ये ईरानी स्टाइल में लगता है, और इसके गुंबद देखें और जो आर्चेस बने हुए हैं ये भी ईरानी स्टाइल के हैं। उस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी, इस पे ऊपर कोई स्टील स्ट्रक्चर नहीं है, और ये इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। और ये बेसिकली उसका एंट्रेंस गेट है सराय का, बहुत बड़ी सराय थी क्योंकि कारवान यहाँ से गुजरते थे, तो उस वक्त ये लोग यहाँ आके कारवान ठहरते थे और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक के लिए यहाँ थोड़ा क़याम करते थे। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा गांव बन गया है और बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ है। और चलते हैं इसके बाकी हिस्से भी आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त हम सराय छींबा पे मौजूद हैं, और ये सराय जो बहुत बड़ी सराय थी, और इसके काफ़ी हिस्से डिमोलिश कर दिए गए, कुछ हिस्से अभी बाकी हैं, और कोशिश करेंगे कि हम इसकी जो बाकी हिस्से हैं जो असली हालत में अच्छे हैं, जो मुनफरिद हैं, वो वाले पार्ट आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम सराय छींबा पे हैं, और बहुत बड़ी सराय और बहुत खूबसूरत, बट इसको इसकी देखभाल नहीं हुई। और ये मुफ्त इस तरह के बहुत सारे सेटअप थे, और यहाँ एक अस्तबल भी था, और यहाँ एक उनका जो डाइनिंग के हवाले से किचन और इस तरह की भी थी, और जो काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे वो यहाँ क़याम करते थे। और बेहतरीन बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें हैं, और जैसे ही मैं इसमें दाखिल हुआ मुझे लगा कि ये तो कोई भूत बंगला है, बट बहुत खूबसूरत है। और अभी इसकी देखभाल अगर थोड़ी हो जाए तो ये एक हमारा बहुत ही कीमती जो विरसा है उसको संभाला जा सकता है। मोर देन 500 ईयर इसको हो गए, बट देखिए उस वक्त किस तरह तामीरात होती थी, और किस तरह के वहाँ उस वक्त कारीगर थे कि इतनी बड़े स्ट्रक्चर को उन्होंने इतना अच्छा बनाया। और ये एक तय खाने की सूरत में है, और काफ़ी ठंडा है, और गर्मियों के हवाले से इस खित्ते को उन्होंने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया कि अगर मुसाफिर यहाँ आए तो उस वक्त, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, और पंखे भी नहीं थे डेफिनेटली, तो उन्होंने गर्मी के हिसाब से इसको तामीर किया। इसकी एक आउटर वॉल अभी भी है जो पूरे उसको सराय को एक डिफेंसिव वॉल के तौर पे इस्तेमाल होती थी, कि जैसे ही काफ़िले आते थे और कारवान आते थे वो इसके अंदर चले जाते थे, फिर गेट बंद हो जाता था, अंदर महफूज हो जाते थे। और कहा जाता है कि इसके मोर्चे भी बने हुए थे यहाँ, जहाँ बाकायदा तौर पे पहरा दिया जाता था और गार्ड होते थे, तो इस तरह का ये सेटअप था। और मैं तो उसी 500 साल पुराने दौर में अपने आप को फील कर रहा हूँ कि उस वक्त इसकी रौनक कैसी होती होगी, बट अभी थोड़ी सी मायूस कुन है। चलते हैं जी इसके बाकी हिस्से देखते हैं। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और छोटे छोटे कमरे हैं, बेसिकली ये सराय का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया, और ये माजी की बहुत खूबसूरत दास्तानें सुना रहे हैं। और ये देखें छोटी ईंट से तामीर शुदा, मोर देन 500 ईयर इसको बिल्डिंग को हो गए, और अभी तक इसका स्ट्रक्चर बड़ी अच्छी हालत में है। और उस वक्त की टेक्नोलॉजी देखें, एक देसी तरीकाकार था, बट उसका आर्किटेक्चर अभी तक मुनफरिद है। काफ़ी बड़ी सराय है ये,
और शेरशाह सूरी ने इसको 1540 और 1545 के दरमियान जो जब उसने यहाँ हुकूमत की तब ये बनाया और काफ़ी बड़ी है। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इसमें आबादी चलती रही। लास्ट जो था यहाँ सिखों की ये आबादी थी और ये सिखों का एक कबीला जो चीबा के नाम से था उसके नाम से ये सराय चीबा मशहूर हुई। और ये आउटर वॉल आप देख रहे हैं और तकरीबन ये 3 से 4 फुट चौड़ी वॉल है, ये डिफेंसिव थी और इसका एक ही गेट था और जिससे वो दाखिली दरवाज़ा था जिससे लोग आते थे और जो काफ़िले कारवान ताजिर जो ट्रैवल कर रहे होते थे वो यहाँ आके ठहरते थे। तो बहुत ही खूबसूरत अपनी माजी की खूबसूरत दास्तान सुना रही है, लेकिन अभी ये खूब आंसू बहा रही है कि मेरे साथ क्या हुआ।